हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट देख लिया, हमने लिख लिया। अब थोड़ी सी इसकी बात करते हैं, इसको थोड़ा मेकओवर करते हैं, फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, ये इसकी लुक की बात करते हैं। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ओल्ड रूल्स हैं, आप यहाँ से लेफ्ट बटन दबाएं और इसको सिलेक्ट कर लें। लेकिन ये देखें ये क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर क्योंकि मैंने उर्दू लैंग्वेज यूज़ की थी, तो जब मैं यहाँ आता हूँ तो वो उर्दू में आ जाता है। सो इंग्लिश उसी तरह सेलेक्ट होगी, उर्दू के लिए आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कीज़ भी ऐसे ही हैं, एरो कीज़ आप कोई भी यूज़ करके अपनी वर्किंग जो है परफॉर्म करते हैं। शिफ्ट एरो कीज़ जस्ट लाइक, थोड़ा सा ही फ़र्क है वही, इसकी शॉर्टकट कीज़ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उनमें भी आप देख लीजिएगा। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया इस टेक्स्ट को, ये मेरे पास टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। सपोज हम सिर्फ इतने से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक। उसके बाद मैं इसका स्टाइल बदलना चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट उर्दू में जो फ़ॉन्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है नूरी नस्तलीक, ये बहुत ही मशहूर फ़ॉन्ट है। और नूरी नस्तलीक ये फ़ॉन्ट आपका उर्दू के हवाले से बहुत ही प्रेफर्ड फ़ॉन्ट जो है वो काउंट किया जाता है। नूरी नस्तलीक के अंदर कुरान मजीद की भी इशात जो है वो काफ़ी ज़्यादा की गई हैं। ठीक, अगर आपको हिस्ट्री पता हो तो ये ईरान और इराक के दरमियान एक बड़ा मसला भी रहा है, नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट। लेकिन हम चाहते हैं नूरी नस्तलीक नहीं यूज़ करना, हम नूरी करेक्टर यूज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज आया है, शायद अभी आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं नया फ़ॉन्ट इसरार लूँगा ना तो देखें अब आपके पास ये चेंज काफ़ी डिफरेंट है। नेक्स्ट आपके पास अक्रम है, ये हर बंदे के बनाए हुए अपने अपने फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। आपको मैंने फ़ॉन्ट्स बनाने वाला सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है, आप उसके अंदर जाकर अपने फ़ॉन्ट्स भी बना सकते हैं। ये फारसी स्टाइल है, ठीक है, जमील स्टाइल है, और आपके पास कमर स्टाइल है। तो कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो जहाँ पर भी आप यूज़ करना चाहें वो आप यहाँ पे अप्लाइज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आती है इसके कलर की, इस वक्त ये ब्लैक कलर में, मैं इसको रेड कलर में करना चाह रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब ये रेड कलर में आ गया है। अगर आप इसका कलर चेंज करके ब्लू करना चाह रहे हैं तो आप इसे ब्लू भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको दोबारा से ब्लैक में लेके जाना चाहते हैं तो आप ब्लैक भी कर सकते हैं। मैंने इसको फिर से सेलेक्ट किया, आई वॉन्ट टू यूज़ इन डिफरेंट स्टाइल, सो देख सकते हैं कि सदफ स्टाइल भी यहाँ पर एक मौजूद है, आप इसे भी यहाँ पर देख सकते हैं। सो आई जस्ट गो देयर एंड प्रेस एंटर। ओके राइट, उसके बाद हम यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर जाकर मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने सदर स्टाइल जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर आप इसको डार्क करना चाहते हैं, देखिएगा मैं बोल्ड का बटन दबाता हूँ, आपके पास आपका टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। जब मैं इटैलिक का बटन प्रेस करूँगा तो ये इटैलिक हो जाएगा। अगर आप इसके लिए इसके पॉइंट्स वगैरह सेट करना चाह रहे हैं, साइज़ छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से इसको छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इसकी अलाइनमेंट है, अभी ये लेफ़्ट से राइट की तरफ है, ध्यान से देखना है, ये सॉरी राइट से लेफ़्ट की तरफ है, मैं इसे कहता हूँ लेफ़्ट पे, अब ये लेफ़्ट साइड पे आ गया, पहले राइट साइड पे था अब लेफ़्ट साइड पे आ गया। मैं यहाँ से इसको सेंटर करना चाहता हूँ, सेंटर कर दें। अब मैं इसको जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ, जस्टिफाई के बारे में आप सब जानते हैं कि आपके पास कब जस्टिफाई होता है, जब आपके पास जो आपका टेक्स्ट है, सपोज आई जस्ट गो देयर लाइक दिस, टाइप जस्ट डमी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, जस्ट मैं आपको प्रूफ करने लगा हूँ। जस्टिफाई देखिएगा क्या होता है, मैंने इन सारे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप इसे जस्टिफाई कर लें, अब ये आपके पास जस्टिफाई हो गया, आखिरी लाइन थी ना। ठीक, आप ऑप्शन से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, शो इन हाइड इन विजिबल, ये वही करेक्टर्स हैं जो आप वर्ड में भी देखते रहे कंट्रोल शिफ्ट 8 के साथ। अब ये आपके पास आ गए, ठीक है, ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है, ये आपका जस्टिफाई होके आपको टेक्स्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। पहले ऐसे था, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ यहाँ से ऊपर तक, यहाँ से पहले आपके पास इस तरह था सेंटर, ये आपका राइट है और ये आपके पास जस्टिफाई है। लेकिन अब मैं इसको फोर्सफुली जस्टिफाई करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से जाकर इस बटन को प्रेस कर दें, अब ये आखिरी पैराग्राफ को भी जस्टिफाई कर देगा, देखें जस्टिफाई, फोर्सफुली जस्टिफाई। क्लियर है जी सबको, वर्ड में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद आपके पास स्पेसेस हैं, आप यहाँ जाएं, इसकी स्पेसेस को थोड़ा बड़ा कर दें, मैं इसको 10 पॉइंट कर देता हूँ। लाइन स्पेसिंग आपके पास बढ़कर ज़्यादा हो गई हैं, अगर आप और ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं। 20 पॉइंट्स की लाइन स्पेसिंग आपने यूज़ कर ली है, अगर आप इसको कोई स्टाइल्स देना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ से जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो भी सेटिंग्स आप करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इंग्लिश के हवाले से। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख दिया, आई लव पाकिस्तान। आई जस्ट चेक कान चेक के कौन सी लैंग्वेज जो है मेरे पास यूज़ हो रही है, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की, आई लव पाकिस्तान। ये क्या हुआ, याद रखिएगा फोर्सफुली जस्टिफाई हुआ हुआ है, तो जैसे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो उसको इसके हिसाब से एडजस्ट करता है। सो हम इसको फिलहाल राइट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप इसको देख सकें। तो ये भी वहीं से बड़ा होगा जहाँ से आपकी उर्दू बड़ी हो रही है। ओह एन छोटा रह गया आपका, ठीक है। सो पाकिस्तान में ये मसला रहता ही रहता है, कभी कोई चीज़ बड़ी हो जाती है, कभी कोई चीज़ छोटी हो जाती है, ठीक। तो ये आ गया जी, 48 साइज सारों का एडजस्ट हो गया, ठीक। फिलहाल हम इसको 48 करके एडजस्ट कर लिया। अब मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। तो आपको याद है इंग्लिश लिखने के लिए तो आपको बहुत से स्टाइल्स याद होंगे, आप कोई भी यहाँ से ले लें, जो भी आपको अच्छा लगता है स्टाइल वो यहाँ से आप जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से करेक्टर स्टाइल है, डिफरेंट बोल्ड स्टाइल है, सो आई जस्ट गो देयर एंड टाइप। दोबारा टाइप कर लेते हैं, यहाँ गए जी, मेरे पास ये टेक्स्ट था, मैंने कहा आई लव पाकिस्तान, फुल स्टॉप। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप इसका साइज बड़ा कर दें, उसके बाद आप इसका फॉन्ट चेंज कर दें। तो हम इसके ऊपर कोई भी फॉन्ट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अब आपके पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, याद रखिएगा हर टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट है, इसकी अपनी खसूसियात हैं, इसकी अपनी खसूसियात हैं। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो इंग्लिश की सेटिंग्स आ जाती हैं, कलर्स वगैरह वैसे ही हैं। यानी आप अपने रिबन की मदद से किसी भी टेक्स्ट के ऊपर फर्दर कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा वर्ड्स में आपने टैब्स पढ़े थे, अगर यहाँ पर भी आप टैब यूज़ करना चाहते हैं तो टैब का बटन दबाकर आप कोई भी टैब सेटिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये वही आपका टैब है, लेफ्ट टैब, राइट टैब, सेंटर टैब और आपका डेसिमल टैब, ये आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं।